सभी भाइयों को आज जोड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गो माता, जय भारत, मेरा भारत मान। आज साथियों आपको जो मुर्रा नस्ल का सांड दिखा रहे हैं, तो ये नरेंद्र डिडवाड़ी जो है, जो प्रधान जी जो पानीपत से, तो ये उनका सांड। इधर चले भाई, इधर इधर ले लो भाई, इधर इधर। तो ये नरेंद्र डिडवाड़ी जी है, जो डिडवाड़ी इनका गाँव है। तो खूब बहुत जो मतलब बुल के एक जो करेक्टर होते हैं वो आपको सारे बताते हैं। देखो एक तो जो टेस्टिकल, एक तो सुपर, और जो पुट्ठा मतलब जो कि जो मतलब पुट्ठे की लंबाई और चौड़ाई वो सबसे सुपर है। जो मतलब भारत में जो बुल जितने भी है मैं जो देख रहा हूँ, जो टेस्टिकल और जो पुट्ठे की जो चौड़ाई लंबाई, तो मतलब प्रधान जी सबसे ही ज़्यादा होगी एक नहीं और देखो साथियों, और सारी जानकारी प्रधान जी से लेंगे नरेंद्र जी से। एक अच्छे बुल का हम अपनी भैंस के लिए, अच्छी दूध की कटिया पैदा करने के लिए, तो वो कैसे जो उसका जो हम की चयन करें, तो जी प्रधान जी से जो सामने प्रधान जी। हाँ जी नमस्कार जी, प्रधान जी नमस्कार जी। देखिए जो अपना चैनल पर जो दर्शक भाई देख रहे हैं उनको नमस्कार करता हूँ। हाँ जी, और जो कोलू टू हमारा जो मेले के अंदर आया हुआ है सरदार वल्लभ भाई जी की, हाँ जी हाँ जी, मेरठ के अंदर आया हुआ है। हाँ जी, पूरी डिटेल बताता हूँ इसके फादर को। तो इसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है? इसकी माँ का रिकॉर्ड 26 किलो है, और इसकी मदर को किसी पशुपालक के लिए छुपी उड़नी है। रानी का नाम हुआ कई कंपटीशनों में, जहाँ चाहे स्टेट का हो चाहे इंडिया, कई बार वो चैंपियन बन चुकी है। जी जी, और जो इसका फादर है उसका रिकॉर्ड कितना? उसका रिकॉर्ड प्रति 24 किलो 936 ग्राम पीसी 483 उसका बोला, जो हरियाणा सरकार को दिया था। जी जी, आपने दिया था, जो भी देखा था वहाँ। हाँ। साथियों सबसे पहला जो देखना है, जो लंबा तकड़ा नहीं देखना, तो लंबा तकड़ा बुल हो तो वो तो सबसे बेटर बात है। सांड के माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड हो, सांड के जो टेस्टिकल हो, सांड के जो अंदर ब्लड की बीमारियां है, तो वो 10 बीमारियां होती है, तो वो तो आपने जांच पास सब करा रखी है, जो आपने ब्रुसेला ब्रुसेला सब, बिल्कुल टेस्ट। तो एक बार आप खुद चल के एक बार जो बुल का जो वो पुट्ठे की चौड़ाई और लंबाई दिखाएं, और एक बार कीमत भी बताएं, तो जो कीमत भी 10 करोड़ के लगभग आप बता रहे हैं। देखो साथियों सबसे सुपर चीज, देखो ये जो चीज है, तो ये नहीं मिलती जो साथियों पशुपालक भाइयों से मैं ये बात समझाना चाहता हूँ। जी, अगर किसी पुल का या भैंस कोई भी हो, यहाँ का जो ये आकार है यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ हाँ, लेकिन इसका जो ये बिल्कुल बराबर है। हाँ, और जो ये चौड़ाई है सब किसी पुल में नहीं है, इसकी एक्स्ट्रा इसकी जो चौड़ाई है। हाँ, उठा जो बिल्कुल खड़ा। और साथियों एक और सबसे जो मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, मैं जो चीज अच्छी है अच्छी बतानी चाहिए। देखो ये जो इसकी चामी है, तो ये इतनी बारीक है कि आप यहाँ से देख सकते हो। देखो तो ये जो मतलब दूध के अगर कटिया पैदा करने के लिए यही जो एक जो करेक्टर होते हैं, और सबसे अच्छी और जो बड़ी बात, देखो जो टेस्टिकल भी यू टाइप, तो यू टाइप होनी चाहिए। अगर बीच में से जो अगर बीच में से टेस्टिकल है, अगर जो यहाँ से जो अगर जो एक जो कट आ गया, तो वो जो ब्रीडिंग के लायक नहीं है बुल। देखो यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर, और जो कितने लंबे इसके जो टेस्टिकल है, और ये जो साइड में जो नसें हैं, तो ये दूध की कटिया भी पैदा जो कर सकता है। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं ये बता रहा हूँ। देखो ये जो सारी जो ये नसें खड़ी है, मैं ये कहता दूध के इसकी अच्छी रहेगी। हाँ जी, और प्रधान जी जो इसमें वेट लगभग, मेरा आंकड़ा कह रहा है कि जो 15 क्विंटल के लगभग। आज 15 क्विंटल है, 6 महीने पहले तो उसका वेट कर रहा था। हाँ, उस टाइम 15, लेकिन उससे और काफी ज्यादा तैयारी हुई। ये सभी पशुपालकों को पता है, ये 10 दिन से बाहर चल रहा है। पहले मतलब चित्रकूट मध्य प्रदेश में 7 दिन लगे, 3 दिन यहाँ पर आए, बाहर से बाहर चल रहा है। इसमें 1 क्विंटल टूट रहा होगा, 15 क्विंटल आज भी, लेकिन 16 क्विंटल के आसपास था। अच्छा, 15 क्विंटल आज भी है। अच्छा अच्छा, और प्रधान जी तो इसकी नेचुरल मैटिंग भी कराते हो आप? नेचुरल मैटिंग नहीं कराते। अच्छा नहीं कराते, तो इसके सीमन तैयार कराते हैं? सीमन तैयार कराते हैं। अच्छा, तो जो प्रधान इसकी डाइट है, तो डाइट में जो अनाज कितना देते हो और खली कितनी देते हो? सीजन का दार बार चलता है, जब सीजन ऑफ होता है सीमन का, डाइट बड़ी कम कर देते हैं। जब सीजन सीमन का ज्यादा चलता हमारा, और डाइट पर विशेष ध्यान दे देते। अच्छा, और साथ में कोई दूध घी? दूध घी का ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पशु से दूध घी तो हमने प्राप्त करना है जी, उसको देना नहीं, उनसे प्राप्त करना है। जी 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 जी, हमारा वो नहीं है, हमें पशुओं को घी दूध खिलाइए, पशु के लिए हानिकारक। जी जी जी, तो आज आप जो हमारे मेरठ में और हमारे उत्तर प्रदेश में आप जो पहुंचे हैं, तो यहाँ पे सम्मानित करने के लिए, तो साथियों एक ही बुल तो यहाँ पे तो पुरस्कार मतलब जो लोगों को दिखाने के लिए बुलाया है नरेंद्र डिडवाड़ी जी का, तो आपको तो ये कैसा महसूस हो रहा है? कि अच्छा लग रहा होगा कि आप
क्योंकि प्रोत्साहन और जो प्रशंसा ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि दौलत ही समझो सब कुछ नहीं होती। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें दौलत को का नाम ही रखा था। अच्छा, ऋषि साहब ने जो राजवीर जी को आदेश किया है गोलू टू डिडवाड़ी वाले को यहाँ बुलाए, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर फुल फेमस भी है और अच्छा भी है, तो उसी करके हमारे को संदेशा दिया और हम कल सवेरे 8 बजे यहाँ पहुंचे। अच्छा जी, अच्छा। और तो आप यहाँ आ रहे कल से? कल सवेरे 8 बजे। तो जी, आपका यहाँ पर आने के लिए तो जो हम भी अपनी तरफ से जो मतलब पूरी आपकी सुरक्षा कोई बात हो तो जैसे गिरे पड़े आपके साथ है। पब्लिक के लिए मैं कोई नहीं, और मेरे लिए कोई पब्लिक नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और कम से तो कोई भी आप बात कहूँ तो हम तैयार। जिले के अंदर भी कम से कम 200 पशुपालक भाई जान के होंगे। जी जी, उनका सहयोग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी अधिकारी सभी साथी है। अरे वाह, अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह हमारा सहयोग कर रहे हैं किसी चीज की। तो जो आपने प्रधान जी इसकी आपने सीमन स्ट्राइकिड जो डोज है उसका रेट क्या रखा है? देखो अलग अलग से, अगर कोई ज्यादा ले ठीक है, नहीं फिर भी अगर दो चार ले, एक आध ले, चार लेगा 300 का, अगर 50 लेगा 200 का, अगर कोई 100 से वो कम जो 100 रुपए का, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। ज्यादा नहीं रेट का बीचा पशुपालक सीमन रखवाए, बहुत बढ़िया। एक तो आज बोलो डेयरी फार्म पे हाथी का बच्चा, मैं चाहूँ घर घर कोने देश के कोने कोने में हाथी के बच्चे, हमने उसी में मजा आएगा। जी 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 जी। और जो प्रधान जी जो जो इसे खंडा वंडा खिला रहे, जो मैंने देखा जो खंडा बिलोई खड़ा, देखो चना चना है, गेहूँ है, बिलोई खड़ा है, तो वो तो चलते नहीं, नहीं जो मतलब अनाज का बताओ, अनाज में क्या खिला रहे? अनाज में गेहूँ है और चना, हाँ ठीक है, बिलोई खड़ो, इसके अलावा कुछ नहीं खुलाते। जो गेहूँ चना खिलाते हो? जब ज्यादातर सीमन का जोर होता है उसमें बिनोड़ी खड़ कम कर देते, क्योंकि सीमन के लिए मैं फैक्ट है। अच्छा, तो आप तो बस गेहूँ और साथ में चने और छिलका? हाँ, छिलका भी देखे? हाँ, तो साथ में लीवर कोई मल्टीविटामिन भाई का तेल, ये दूध जो ये दूध अगर ब्रीडिंग बुल के लिए अगर देंगे हानिकारक है सीमन का, उसको फैक्ट। अच्छा जी, अगले एक बार जो मतलब अगली तरफ से भी दिखाओ एक बार बुल को। देखो साथियों, तो आपको अगली तरफ से भी एक बार बुल को दिखाते हैं। वो पीछे था तो सुपर डुपर है भाई, मैंने अब तक जितने भी बुल देखे मतलब पिछाड़ी ऐसी एक भी बुल की नहीं है, बहुत अच्छी जो पिछाड़ी है, मतलब जो पुट्ठा छोड़ा होना चाहिए बुल का। सभी पशुपालक भाइयों को एक और बात समझाना चाहता हूँ। हाँ जी, इधर से। हाँ जी, कुछ भाई सिर्फ माथे पे सफेद बाल या शरीर पर सफेद बाल या सफेद बाल देते हैं, उसमें तो सब पता, लेकिन एक चीज का नीली रावी का करेक्टर है पशुपालकों को भाइयों का ज्ञान नहीं है, तो 1% लोगों का ज्ञान होगा। जो बुल की जीव है हमारे, दिखाओ ये बिल्कुल, ये देखो ये काली होनी चाहिए, कई बार जो लाल ली मतलब लाल जीव या दौड़ी कहते हैं मंदेशी भाषा, वो नीली रावी के करेक्टर, वो पशुपालक भाइयों को ज्ञान नहीं है, तो वो बुल मुर्रा की ब्रीडिंग में नहीं है, मुर्रा की ब्रीडिंग में हो नीली रावी का करेक्टर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये दिखाओ जीव, दिखाओ बिल्कुल जीव, ये देखो साथ एक बार जीव देखो, बिल्कुल ठीक है, जो ठीक काली है, ठीक है जी, ये लाल, क्योंकि और चीज तो पहचान सकते हैं लेकिन ये चीज हमारे पशुपालक भाई नहीं पहचानते। तो मैं सभी पशुपालक जो भाई चैनल देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहूँ, जीव जरूर देख ले सीमन का प्रयोग करने से पहले, किस बुल की जीव कैसी है। बहुत बढ़िया सवाल, जो रहा तो नीली रावी करेक्टर है, मैंने को मेहनत करने का कोई फायदा नहीं नुकसान है, बहुत बढ़िया जी। और इसकी तो ये आपको सेल तो करना ही नहीं? नहीं सेल, तो ये इसकी क्या कॉस्ट होगी फिर भी? तो जो लगी होगी कई जन रुपए लगाए हैं। हाँ, तो भाई साहब मैं डॉक्टर साहब राहुल जी, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक पैसे वाली बात जी, एक नाम भी है। हाँ हाँ, तो मैंने मेहनत की, नाम कमाया, भारत सरकार ने मेरे को पद्मश्री अवार्ड, बहुत बढ़िया, सबसे पहले पशुपालन मेरे को मिला। हाँ जी, मैं तो ये समझता हूँ देशवासियों को, पशुपालकों को, भाइयों को सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मेरे को अवार्ड मिला। अच्छा, आपको अवार्ड मिला जो प्रधान जी, तो उसमें क्या राशि मिली? और आपकी राशि कुछ नहीं, मान सम्मान होता है और बहुत बड़ा मान सम्मान। राशि राशि तो बताओ फिर, कोई राशि नहीं, थोड़ा 3 लाख रुपए मिले सर? नहीं, मान सम्मान। अच्छा जी, और उसमें आपकी पेंशन भी है क्या? इसमें कुछ नहीं, सिर्फ केवल मान सम्मान। तो कुछ पशुपालक भाई जानना चाहते हैं कि इस माध्यम से जो पेंशन है, जो मैं आपकी वीडियो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से बात बताना चाहूँ, अवार्ड पद्म श्री मिलता है वो मान सम्मान होता है, तो वो नाम ही काफी है, मान सम्मान होता है, तो उसमें कोई राशि नहीं है। अच्छा जी, तो जी साथियों, तो ये गोलू 2 नाम है और बुल का जो साइज भी आपको एक बार दिखा दूं कि किस से जो हाथी, एक हाथी का साइज है, और अगर सांड को जो देखना है, सांड के सबसे पहला काम है सांड के माँ बाप को जानो, जो हो सके जो दादा दादी और नाना नानी को जानो, अगर दूध की आपको जो कटिया पैदा करनी है, और सीमन की
जो नकली बाजारी से बचो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सीमन की नकली बाजारी एक तो पंजाब में है और दूसरी उत्तर प्रदेश में है। ये सबसे ज्यादा नकली बाजारी के सीमन के शिकार है। देखो सीमन एक्स्ट्रा है, सीमन जो एक्स्ट्रा 10 रुपए की 8-7 रुपए की एक तैयार हो जाती है, तो उस पर आप प्रिंटिंग जो कोई भी करा सकते हो। तो जो जिस बुल का भी आप सीमन ले उसको चैन करें, तो उसके या तो खुद मालिक से ले या जो मालिक जिसको बताए उसके डिस्ट्रीब्यूटर या जो कोई डॉक्टर या जो उन्होंने जिसको दिया है तो जो वही ले। तो साथियों देखो आपको टेस्टिकल भी जो नीचे दिखाए और जो मतलब पूंछ का भी, तो पूंछ का भी खेल बताओ, जो ये पूंछ का भी ये जेड ब्लैक बताते हैं और ये बताते हैं, तो ये होना चाहिए नहीं। पालक पाए हैं वो बड़े जान से देखे भी और सुने भी। हाँ जी, जो इसकी टेल होती है ब्रीडिंग बुल के लिए तो इसकी 1 इंच है। हाँ जी, ब्रीडिंग बुल के लिए 4 इंच से ज्यादा सफेद ना हो। अच्छा, वैसे तो मुर्रा में 6 इंच तक चलाते हैं, लेकिन ब्रीडिंग बुल के खास करके 4 इंच से ज्यादा ना हो। देखो कितने लंबे हो, कल एक डॉक्टर साहब ने मेरे क्वेश्चन किया था, बोले इसकी टेल तो बहुत लंबी। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसके बाल है ये केवल 1 इंच सफेद है, वो बोले बाल भी इतने लंबे, बाल बदलेंगे कोई वहाँ कोई बेड करेक्ट नहीं होता, इसकी टेल मापी जाती है। जी जी, टेल, तो ये टेल तो इसकी तो मेरे हिसाब से दिखाई 1 इंच है, दिखाओ एक नहीं डेढ़ जो मानो बस 1.5 इंच सवा डेढ़ ठीक है, तो 4 इंच तक कोई ठीक है बेड करेक्टर नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया के लिए ब्रीडिंग बुल के लिए, अगर 4 से ज्यादा मैं तो कहता हूँ ब्रीडिंग बुल के लिए ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ और भी बात कुछ ऐसी जो पशुपालक को बतानी चाहूंगा जिससे कि जो ब्रीडिंग अच्छी कर सके, अच्छी दूध की गठिया पैदा कर सके। देखो जी ये तो सारे दर्शक भाई चैनल में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं देखो साथियों नशे भी जो आपको दिखा रहे हैं जैसे पहलवान देखो साथियों ये भी जो 7 रुपए जो ये नशे हैं बिल्कुल एक ये भी दूध के करेक्टर के हैं और टेस्टिकल बहुत अच्छी है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जब इस टेम्परेचर जो थोड़ा बार में करके और इसे तैयार करके जो लाएंगे तो फिर अच्छे बहुत ज्यादा है। सबसे अच्छी तो मुझे जी चीज लगी है तो ये पुट्ठा बहुत गजब का लगा, इतना चौड़ा है पुट्ठे की जो मिलती नहीं। और साथियों एक बात और बता दूं, जो मतलब प्रधान जी का जो झोटा था जो पहला जो गोलू के नाम से वो उसने भी बहुत नाम कराया और ये उतने ही साइज में है जी, है 1 इंच से बड़ा, 1 इंच उससे बड़ा, 2 इंच से 1 इंच पर। लेकिन गोलू की जो अगर जो अगली छाती और जो पैर थे पर वो तो जो वो तो कोई बोलता नहीं, छाती और वो पैर थे वो तो इस दुनिया के अंदर बोलो ही नहीं शायद, वो भी नहीं, वो भगवान ने बना कर दिया। हाँ वो तो भगवान की चीज, जो और शायद जो शरीर है वो गोलू से पता चला। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी तो ये प्रधान जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी नरेंद्र जी ने, तो एक बार अपना मोबाइल नंबर भी देना चाहूंगा जो कोई भाई। हाँ जी बोलो, 98 131 66 63 375। तो भाइयों ये साथियों ये जो नरेंद्र जी का नंबर है और आपको ये बुल जो हमारे आग्रह करने पर जो नरेंद्र जी ने ये जो बुल वहाँ से जो निकाल के जो बाहर दिखा, तो नरेंद्र जी का भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और ये अकेला जो साथियों बताया कि सरदार मेरठ में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है वहाँ जो मेला लगा है ये डॉग शो का है बस, तो ये कोई मतलब इसमें मुर्रा का या गाय भैंस का नहीं है, क्योंकि ये जो एक बुल है ये लोगों को दिखाने के लिए और प्रोत्साहन प्रशंसा के लिए ये बुलाया है और जिससे कि लोगों को एक मोटिवेशन मिले, सीख मिले। तो साथियों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और चैनल को इतना लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो। जय गो माता, जय भारत, मेरा भारत महान।